नमस्ते साथियों, मैं हूं रमेश आरवीएम होस्ट। इस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटो नेस्ट सॉफ्टवेयर के नेस्टिंग कार्यप्रवाह यानी कि वर्कफ्लो की जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेज है ऑर्डर फाइल को क्रिएट या इंपोर्ट करना। इसके अंदर तीन ऑप्शंस है। पहला है डेली जॉब ऑर्डर यानी मैन्युअली ऑर्डर को क्रिएट करना। इसका डिटेल वीडियो मैंने दो दिन पहले ही अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। दूसरा है एक्सेल सीएसवी जॉब ऑर्डर। ये सीएसवी फाइल मैक्सिमम टाइम ओईएम कंपनी जो कि एसएपी या फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर में काम करती है उनसे ये ऑर्डर प्राप्त होती है, या फिर आप भी बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक्सएमएल जॉब ऑर्डर। ये फाइल भी मैक्सिमम टाइम ओईएम कंपनी ही इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करती है। सेकेंड स्टेज है वैलिडेट पार्ट जियोमेट्री। वैलिडेट मीन्स पार्ट जियोमेट्री को चेक करके अगर जियोमेट्री में इश्यू है तो उसे सर्टेन लिमिट टॉलरेंस के अंदर फिक्स करना। अगर नॉट पॉसिबल विद वैलिडेट तो मैन्युअली जियोमेट्री को एरर फ्री करना और उस पार्ट को मेटालिक्स के नेटिव डीएफटी फॉर्मेट में सेव करना। थर्ड स्टेज है कैन प्रोसेस यानी कि कटिंग टेक्नोलॉजी सेट करना। आइदर आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कटिंग टेक्नोलॉजी टेबल या फिर आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज है नेस्टिंग। नेस्टिंग करने के लिए फिर से थ्री ऑप्शंस है। रेक्टेंगुलर नेस्टिंग, ये सिर्फ रेक्टेंगुलर पार्ट्स हो तो ही काम आएगा। दूसरा है ऑटोनस प्रो, ये सबसे न्यू एंड एडवांस नेस्टिंग ऑप्शन है। और लास्ट है मैन्युअली नेस्टिंग। फिफ्थ स्टेज है व्यू द नेस्टिंग रिजल्ट यानी नेस्टिंग रिजल्ट को मैन्युअली चेक करना, जैसे कि पार्ट क्वांटिटी, नेस्टिंग यूटिलाइजेशन, रिमनेंट कट। उसके बाद है जेनरेटिंग नेस्टिंग रिपोर्ट्स। इसमें आप टोटल ऑर्डर रिपोर्ट, सिंगल सबनेस्ट रिपोर्ट्स और ऑटोमेशन रिपोर्ट्स जेनरेट कर सकते हैं। सातवीं स्टेज है जेनरेट एनसी प्रोग्राम्स। एनसी जनरेशन में एनसी फॉर ऑल यानी सारे सबनेस्ट एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मेक एनसी यानी कि सिंगल सेलेक्टेड सबनेस्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिमुलेशन यानी नेस्टिंग को सिमुलेशन करके चेक करना, अगर कुछ एरर है तो दोबारा करेक्ट करके फिर से एनसी जनरेट करना। सबसे लास्ट स्टेज है सेंड टू प्रोडक्शन। इसका मतलब है ये ऑर्डर प्रोडक्शन के लिए रेडी है, सब कुछ वेरीफाइड हो चुका है। इसमें एक बार अगर सेंड टू प्रोडक्शन करते हैं तो आप इसमें फिर से मॉडिफाइड नहीं कर सकते। मॉडिफाइड करने के लिए आपको कैंसिल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।